प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की कहानी इस प्रकार है। सन 1936 में लगभग 60 वर्ष की अवस्था में दादा लेखराज नाम के हीरों के एक सुप्रसिद्ध व्यापारी को परमात्मा से मिलन की तीव्र उत्कंठा हुई और उस सर्वोच्च सत्ता की ओर एक शक्तिशाली खिंचाव महसूस हुआ। अपने जीवन परिवर्तन की इस अवधि में उन्हें कई दिव्य साक्षात्कार हुए। सबसे पहले उन्हें ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव का साक्षात्कार हुआ। अपने दूसरे साक्षात्कार में उन्हें प्रेम, शांति, एकता, सुस्वास्थ्य, कानून और व्यवस्था से परिपूर्ण मूल्य आधारित स्वर्णिम संसार का साक्षात्कार हुआ। दिव्यता का उदाहरण स्वरूप बनने, अपने व्यावहारिक जीवन से दूसरों को प्रेरित करने, श्रेष्ठ मूल्य, राजयोग एवं संपूर्ण ज्ञान शिखा बन अपने समान और दूसरे मनुष्यों को भी निमित्त बनाने के लिए उन्हें सर्व गुणों का साक्षात स्वरूप बनने की परमात्म प्रेरणा हुई, जिससे नए स्वर्णिम युग का सूर्योदय शीघ्र हो सके। इसके साथ ही उन्हें इस पुरानी दुनिया के भयंकर विनाश, संपूर्ण नैतिक पतन, मनुष्य के अत्यंत क्रूरता की हद तक गिर जाने का भी साक्षात्कार हुआ। अब उन्हें स्वयं को सांसारिक बंधनों से मुक्त होने और परमात्मा का मानवी माध्यम बनने का परमात्म निर्देश प्राप्त हुआ, ताकि परमात्मा उनके मानवी तन का आधार लेकर मनुष्य को ज्ञान सुना सके। बाद में परमात्मा द्वारा दादा लेखराज को एक अलौकिक नाम दिया गया, प्रजापिता ब्रह्मा। परमपिता परमात्मा शिव के साकार माध्यम ब्रह्मा द्वारा उच्चारे हुए महावाक्यों के आधार पर अलौकिक और आध्यात्मिक पुनर्जन्म हुए नर व नारी को ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहने लगे तथा इस शैक्षणिक संस्था का नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। यह संस्था आज विश्व के 90 देशों में अपनी शाखाओं के साथ एक विशाल वट वृक्ष की भांति विकसित हो चुकी है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का गैर सरकारी सदस्य भी है तथा यूनिसेफ एवं आर्थिक व सामाजिक परिषद का परामर्शदाता सदस्य भी है। इस संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति पदक से सम्मानित किया जा चुका है एवं 5 राष्ट्रीय स्तर के शांति दूत पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। नैतिक मूल्यों के पतन, तीव्र और अनिश्चित परिवर्तनों की इस दुनिया में यह विश्वविद्यालय स्वयं की, परमात्मा की सत्य पहचान और विश्व की आध्यात्मिक समझ देकर व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की पीड़ा को समाप्त करने में प्रयासरत है। यहाँ योग की व्यवहारिक विधियों की शिक्षा दी जाती है, जिससे मन को शांति और व्यक्ति को शक्तियां विकसित करने और दूसरों के साथ रचनात्मक और संतुष्ट प्रद व्यवहार में आने की कला आ जाती है। इस ज्ञान की प्राप्ति आत्मिक शक्तियों के द्वार की कुंजी प्राप्त करने के समान है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की कहानी इस प्रकार है। सन 1936 में लगभग 60 वर्ष की अवस्था में दादा लेखराज नाम के हीरों के एक सुप्रसिद्ध व्यापारी को परमात्मा से मिलन की तीव्र उत्कंठा हुई और उस सर्वोच्च सत्ता की ओर एक शक्तिशाली खिंचाव महसूस हुआ। अपने जीवन परिवर्तन की इस अवधि में उन्हें कई दिव्य साक्षात्कार हुए। सबसे पहले उन्हें ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव का साक्षात्कार हुआ। अपने दूसरे साक्षात्कार में उन्हें प्रेम, शांति, एकता, सुस्वास्थ्य, कानून और व्यवस्था से परिपूर्ण मूल्य आधारित स्वर्णिम संसार का साक्षात्कार हुआ। दिव्यता का उदाहरण स्वरूप बनने, अपने व्यावहारिक जीवन से दूसरों को प्रेरित करने, श्रेष्ठ मूल्य,
राजयोग एवं संपूर्ण ज्ञान शिखा बन अपने समान और दूसरे मनुष्यों को भी निमित्त बनाने के लिए उन्हें सर्व गुणों का साक्षात स्वरूप बनने की परमात्म प्रेरणा हुई, जिससे नए स्वर्णिम युग का सूर्योदय शीघ्र हो सके। इसके साथ ही उन्हें इस पुरानी दुनिया के भयंकर विनाश, संपूर्ण नैतिक पतन, मनुष्य के अत्यंत क्रूरता की हद तक गिर जाने का भी साक्षात्कार हुआ। अब उन्हें स्वयं को सांसारिक बंधनों से मुक्त होने और परमात्मा का मानवीय माध्यम बनने का परमात्म निर्देश प्राप्त हुआ, ताकि परमात्मा उनके मानवीय तन का आधार लेकर मनुष्य को ज्ञान सुना सके। बाद में परमात्मा द्वारा दादा लेखराज को एक अलौकिक नाम दिया गया, प्रजापिता ब्रह्मा। परम पिता परमात्मा शिव के साकार माध्यम ब्रह्मा द्वारा उच्चारे हुए महावाक्यों के आधार पर अलौकिक और आध्यात्मिक पुनर्जन्म हुए नर व नारी को ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहने लगे, तथा इस शैक्षणिक संस्था का नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। यह संस्था आज विश्व के 90 देशों में अपनी शाखाओं के साथ एक विशाल वट वृक्ष की भांति विकसित हो चुकी है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का गैर सरकारी सदस्य भी है, तथा यूनिसेफ एवं आर्थिक व सामाजिक परिषद का परामर्शदाता सदस्य भी है। इस संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति पदक से सम्मानित किया जा चुका है एवं 5 राष्ट्रीय स्तर के शांति दूत पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। नैतिक मूल्यों के पतन, तीव्र और अनिश्चित परिवर्तनों की इस दुनिया में यह विश्वविद्यालय स्वयं की, परमात्मा की सत्य पहचान और विश्व की आध्यात्मिक समझ देकर व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की पीड़ा को समाप्त करने में प्रयासरत है। यहाँ योग की व्यवहारिक विधियों की शिक्षा दी जाती है, जिससे मन को शांति और व्यक्ति को शक्तियां विकसित करने और दूसरों के साथ रचनात्मक और संतुष्ट प्रद व्यवहार में आने की कला आ जाती है। इस ज्ञान की प्राप्ति आत्मिक शक्तियों के द्वार की कुंजी प्राप्त कर